हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ग्रीनिक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे कई सारे ऐसे टॉपिक्स जो सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन सारे पे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन काफी टाइम से एक डिमांड आ रही थी लोगों की कि सर आप ऐसे भी वीडियोस बनाइए जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली किसी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं उनको समझ सके। तो दोस्तों, आज हम लोग ये सीरीज चालू करने वाले हैं और जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो है क्वालिटी प्रोफेशनल्स के लिए, और उसके बाद पैरेलली हम लोग बाकी प्रोफेशनल्स के लिए भी नए नए इंटरव्यू सीरीज लेकर आएंगे, जिससे आप लोग समझ सकेंगे किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले कौन से ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप तैयार करके जाएं तो आपका इंटरव्यू में पास होना ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। जैसा कि आज मैंने बताया कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, और आज का जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वालिटी प्रोफेशनल्स के लिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर क्वालिटी प्रोफेशनल्स। और दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे क्वालिटी प्रोफेशनल्स, वो केवल एक कैटेगरी के लिए बात नहीं करेंगे, इन जनरल हम काफी सारा एरिया कवर करेंगे। बट चूंकि आपको भी पता है कि क्वालिटी एक बहुत बड़ा एरिया है और अगर उसे एक वीडियो में कवर करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये अभी पहला वीडियो लेके आए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको नहीं पता है या आपसे पूछे गए और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अगर हम क्वालिटी की जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला कि हमने अभी भी कॉलेज से स्टडी कंप्लीट किया है, कॉलेज पास आउट हुए हैं, हमने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है या आईटीआई भी किया है और हम एज ए फ्रेशर जा रहे हैं किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, और हमारा जो मेन फोकस एरिया है वो है क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस टीम मेंबर के लिए हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वो क्वालिटी इंजीनियर भी हो सकता है, क्वालिटी ट्रेनी भी हो सकता है, क्वालिटी इंस्पेक्टर भी हो सकता है। या दूसरा जो क्राइटेरिया हो सकता है वो है आप एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं या एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर मैनेजर की जॉब कैटेगरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आपका 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं फॉर क्वालिटी प्रोफेशनल की किसी भी पोजिशन के लिए, तो भी आपको इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो वो काम में आने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहला जो हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट क्वालिटी के एटलीस्ट फ्रेशर में और कुछ 2-3 साल के एक्सपीरियंस के इंटरव्यू में जरूर पूछा जाने वाला सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैव यू सीन और यूज्ड। आप ऐसे कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आपने देखा है या आपने यूज किया हुआ है। जनरली कॉलेज में जो भी बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकल में इनको देखते हैं, और अगर आपने 12th में भी ये इंस्ट्रूमेंट कुछ देखे होंगे और अगर आप बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो भी आपने अपनी लैब में ये इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। तो आंसर हो सकता है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, एज यहाँ पे कुछ हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो सकता है, माइक्रोमीटर है, हाइट गेज हो सकता है या रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर। वैसे तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन अगर आप और भी ज्यादा क्रिटिकल डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये सोच के चलिए जो भी आप पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे उसके आगे जरूर उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए थोड़े से आसान, आप चाहें तो केवल वर्नियर और माइक्रोमीटर भी बता सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपने सारे इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, बट जो इंस्ट्रूमेंट आपने देखा है उसका थॉरोली नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये 4 एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि इसमें से कोई भी आप 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जो कि इसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है कि अगर आपने ये इंस्ट्रूमेंट देखा है, यूज किया है, तो आप बता सकते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है या आपके वर्नियर या माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट क्या है। तो दोस्तों, लीस्ट काउंट वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब है द मिनिमम मेजरमेंट मेजर्ड बाई योर इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर से जो सबसे छोटी इकाई आप नाप सकते हैं,
हिंदी में इसको अल्पतमांक भी कहते हैं, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी कि आपके माइक्रोमीटर से, आपके वर्नियर से, हाइट गेज से सबसे छोटा से छोटा जो काउंट है, सबसे छोटा से छोटा जो मेजरमेंट है वो क्या है। अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर भी दो तरह के होते हैं, एक मैनुअल टाइप होता है, एक डिजिटल टाइप होता है। मैनुअल टाइप का जो लीस्ट काउंट है वो 0.02 mm, और जो डिजिटल का होता है इसका 0.01 mm होता है। इसी तरीके से जो आपका डिजिटल माइक्रोमीटर है और मैनुअल माइक्रोमीटर है, तो अगर हम मैनुअल माइक्रोमीटर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.01 mm लीस्ट काउंट लिखा हुआ है, और जबकि डिजिटल की अगर बात करें तो 0.001 mm की बात कर सकता है। इसी में आपको एक सवाल आ सकता है कि क्या आप बता सकते हैं 1 mm में कितने माइक्रोन्स होते हैं, क्योंकि 0.01 का मतलब ये 10 माइक्रोन की रेटिंग पड़ रहा है, तो 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नॉन नेक्स्ट सवाल आ सकता है कि चूंकि आप क्वालिटी की जॉब के लिए गए हैं, क्वालिटी के जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्वालिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी। तो आंसर कैन बी, देर आर मल्टीपल डेफिनेशन अवेलेबल, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, आप इसमें से कोई डेफिनेशन यूज कर सकते हो और आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, या आप कोई अपनी डेफिनेशन बना सकते हो नेट पे सर्च करके, उसको आप परमानेंटली अपने पास रख सकते हो। जैसे अगर हम जुरान की बात करें तो उन्होंने कहा तो क्वालिटी इज द फिटनेस फॉर यूज, जो यूज के लिए फिट हो वही है क्वालिटी। और डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग ने कहा था कि गुड क्वालिटी मीन्स प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिपेंडेबिलिटी विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड सूटेड टू द कस्टमर, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी स्पेसिफिकेशन जो कस्टमर के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड के बेस पे सूट करे, यूनिफॉर्म हो हमेशा और जिस पे आप डिपेंड कर सको। अगर आप ओवरऑल इसका जस्ट देखो तो कंसिस्टेंसी ऑफ कन्फर्मेंस एंड परफॉर्मेंस एंड कीपिंग द कस्टमर इन माइंड इज अ क्वालिटी। तो इस तरीके से कई सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, आपको देखना है कि आप किसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है क्वालिटी का मतलब तो ये है, लेकिन ये बताओ कि क्वालिटी की जरूरत क्या है कंपनी में, या क्वालिटी के जो लोग हम लोग हायर करते हैं उनकी क्या जरूरत है। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्यों जरूरत है, क्या ऐसा काम है। तो आप इसमें भी एक ये आंसर दे सकते हैं कि क्वालिटी इंजीनियर इंश्योर दैट अ कंपनी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मीट एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि जो आपका क्वालिटी इंजीनियर है वो ये इंश्योर करता है कि जो आपने स्टैंडर्ड अपने प्रोडक्ट के लिए इस्टेब्लिश किया है वो मीट करे, वो बने, शॉर्टफॉल क्या हो रहा है स्टैंडर्ड से उसको आइडेंटिफाई करे, करेक्टिव मेजर डेवलप करे और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करे, जिससे कंटिन्यू प्रोडक्ट उस क्वालिटी को अचीव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप क्वालिटी में वर्क करते हो, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट में या प्रोसेस में, तो कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स अवेलेबल है उसको सॉल्व करने के लिए। तो वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, आपको आई सेक्शन में इससे रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने A to Z कई सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, ABC के नाम से वीडियो है। अगर आप बात करें तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जैसे PDCA प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेथोडोलॉजी हो सकती है, सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी है, रूट कॉज एनालिसिस जिसको हम RCA कहते हैं, YY एनालिसिस हो सकता है, एंड बेसिक एंड न्यू 7QC टूल्स भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी आप, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप ये टॉपिक्स बता रहे हो तो अगला क्वेश्चन इनमें से किसी पे आ सकता है, तो आप केवल उन्हीं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको नॉलेज है। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पे नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के फर्दर वीडियोस को देख सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा PDCA के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे PDCA का मतलब है प्लान डू चेक एक्ट, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। उसके अलावा सिक्स सिग्मा में हम लोग DMACC रोड मैप को फॉलो करते हैं, डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव कंट्रोल, और रूट कॉज की बात करें तो इसमें प्रॉपरली कई सारे टूल यूज करके हम रूट कॉज तक पहुंचते हैं, और 7QC टूल्स भी 7 अलग अलग तरह के क्वालिटी टूल्स है जिसको हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट टूल की बात करें कि ये पूछ सकते हैं कि अच्छा ये 7QC टूल में भी दो तरह के हमने नाम सुने, एक बेसिक 7QC टूल, एक न्यू 7QC टूल, ये क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर आप डिफरेंस की बात करें तो आप कह सकते हो कि 7QC टूल्स वर्क फॉर एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा, जो बेसिक 7QC टूल है वो न्यूमेरिक डेटा को एनालाइज करता है, जबकि जो न्यू 7QC टूल के नाम से प्रसिद्ध है वो केवल वर्बल डेटा पे काम करता है।
ऑल्सो न्यू 7QC टूल इज यूज फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिसीजन, जहां पे आपको प्लान करना हो, नया प्रोजेक्ट बनाना हो, मैनेजमेंट डिसीजन लेना हो, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। जबकि जो पुराना बेसिक 7QC टूल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल डेटा यूज किया जाता है। अगर बेसिक 7QC टूल की बात करें तो फ्लो चार्ट है, चेकशीट है, हिस्टोग्राम है, पैरेटो एनालिसिस, फिशबोन डायग्राम, स्कैटर डायग्राम एंड रन और कंट्रोल चार्ट। जबकि इसका ओरिजिन 1950s के आसपास हुआ था। एंड न्यू 7QC टूल की अगर हम बात करें तो देर आर एफिनिटी डायग्राम, ट्री डायग्राम, रिलेशन डायग्राम, एरो डायग्राम, मैट्रिक्स डायग्राम, मैट्रिक्स डेटा एनालिसिस, प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट विच इज PDPC। बट ये न्यू का मतलब ऐसा नहीं कि पिछले 2-4-5 साल में इन्वेंट हुआ है, ये भी 1977 में ओरिजिनेट हो चुका है। ऑलमोस्ट नया बोलते हैं लेकिन ये 43 ईयर्स पुराना है, ये तो खास बात है, ठीक है। बट उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इसका ओरिजिन हुआ था और इसको कंबाइन करते हुए, मतलब इसके साथ कंजक्शन के साथ ये काम करता है, कई सारे टूल इसमें इसके इससे कुछ हद तक मैच करते हुए, कुछ हद तक यूज करते हुए ही बनाए गए, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो सकता है। नेक्स्ट सवाल हो सकता है कि आप अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करते हो तो यहाँ पे एक कोर टूल यूज होते हैं, तो सवाल आ सकता है कि डिफरेंट टाइप के कोर टूल्स कौन कौन से इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये आंसर नहीं पता है, देर आर 5 कोर टूल, जैसे कि PPAP, APQP, MSA, SPC, FMEA। ये 5 कोर टूल है जिनको बेसिकली जो रिलीज करता है उस इंस्टीट्यूशन का नाम है AIAG, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। और अगर आप इन पांचों कोर टूल के रिवीजन या लेटेस्ट एडिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आई सेक्शन में एक अगेन इस पे एक वीडियो है, बहुत अच्छी टेक्निक है, आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं कि कौन सा एडिशन अभी चल रहा है। क्योंकि ये सवाल भी हो सकता है, अच्छा ठीक है PPAP का कौन सा एडिशन अभी काम कर रहा है, और लोग यहाँ पे भूल जाते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो। नो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि PPM क्या है एंड किस उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो PPM एक्चुअली क्या है, आजकल देखा जाए तो रिजेक्शन को परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, परसेंटेज के साथ साथ या परसेंटेज के अलावा इसको पार्ट्स पर मिलियन PPM में कैलकुलेट करते हैं, इसी का नाम है PPM। इट मींस 1 मिलियन सैंपल में, 1 मिलियन प्रोडक्शन में कितने पार्ट्स रिजेक्ट हुए हैं उसको हम PPM कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है, योर टोटल पार्ट्स रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाई बाई 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, और जो फिगर आएगा उसको हम PPM बोलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू कंडक्ट प्रोसेस क्वालिटी जिसको हम CPCP के SPC कहते हैं, व्हाट इज मिनिमम रिकमेंडेड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी चाहिए इसको करने के लिए। टू रन प्रोसेस कैपेबिलिटी रिकमेंडेशन इज 125, 125 पीस कम से कम लेना चाहिए, बट समटाइम इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, थोड़ा सा ज्यादा है थोड़ा सा कम भी हो सकता है। एंड ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी इज CP कम से कम या इक्वल टू 1.67 एंड CPK कम से कम या इक्वल टू 1.33 होना चाहिए, तब हम मानते हैं कि आपका प्रोसेस कैपेबल है और अच्छा प्रोडक्शन बनाएगा और रिजेक्शन कम होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई MSA इज रिक्वायर्ड बिफोर SPC। SPC यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी करने से पहले MSA यानी कि मेजरमेंट सिस्टम का एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। तो आंसर हो सकता है कि फॉर एनी मेजरमेंट, हम कभी भी कोई मेजरमेंट करते हैं वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई मेथड चाहिए, कोई पर्सन चाहिए, और MSA हमें कॉन्फिडेंस देता है कि जो ओवरऑल मेजरमेंट का तरीका है जिसमें इंस्ट्रूमेंट भी है, आदमी भी है, मेथड भी है, क्या ये कैपेबल है कि सही रीडिंग को पढ़ सके, सही मेजरमेंट को कर सके। क्योंकि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट गलत है, आदमी गलत है या तरीका गलत है तो आपकी रीडिंग हमेशा चेंज होके आएंगी, गलत आएंगी। तो वो कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे वो SPC के लिए कर रहे हो, चाहे नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए कर रहे हो, रिजेक्शन रिवर चेक करने के लिए, पार्ट को ओके है कि नहीं चेक करने के लिए, MSA करना जरूरी होता है। अगेन इसके लिए आप एडिशन समझने के लिए मेरे वीडियो को देख सकते हो। तो ये थे 10 सवाल, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं लेकिन एक वीडियो में सारे कवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको फिर इतना लंबा टाइम देने में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने ये एक फर्स्ट इस छोटे से लेंथ में बनाया है। इसके अलावा अगर मैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन PPAP से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, IATF से रिलेटेड पूछा जा सकता है, IATF के डिटेल वीडियो ऑलरेडी बने हुए आप देख सकते हो, ISO 9001
से पूछा जा सकता है, उसका भी वीडियो है, देख सकते हैं आप। एमएसए क्या है, एसपीसी क्या है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इन सभी पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। आपको आई सेक्शन में कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे, या आप चैनल पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में डेफिनेटली वर्क करेंगे, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है मुझे। लेकिन कंफ्यूजन इसमें है कि क्या पूरे वो क्वेश्चन देखेंगे। तो प्लीज अगर आपको लर्निंग करना है, इंटरव्यू को क्रैक करना है, तो सारे क्वेश्चन देखिएगा। थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।